हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से और आप सभी का मेरे छोटे से टेरिस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी को मेरे गार्डन के ओवरव्यू का सेकंड पार्ट दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये देखिए, इधर मैंने गौतम बुद्ध को इधर बिठाया है। मेरे गौतम बुद्ध जी बैठे ध्यान में मग्न, और चारों साइड मैंने इस तरह से डेकोरेशन किया है। ये सब मैंने खुद बनाया, DIY किया है पेंट। ये देखिए, इसको भी ऐसा पेंट किया है मैंने, तीन मटकों को मिला के ऐसा बनाया है। ये भी DIY है मेरा। ये भी देखिए, ये ऊपर जो है ये एक दिया है, इसको कलर करके इसमें फैन लगाया है। देखिए ऐसा दिखता है ऊपर से, इस तरह से दिखता है। और ये साइड में ये फ्लावर वास, इसको भी DIY किया है। और देखिए ये वंडरिंग जो पिलर के ऊपर रखा है, पूरा नीचे तक आ गया ऊपर से। और इधर तो पत्थर चट्टा के प्लांट रखे हैं। ये देखिए दूर से ऐसा दिखता है, ये देखिए ऐसा डेकोरेशन दिखता है। और ये साइड में मनी प्लांट है, ये देखिए मनी प्लांट है, ये भी एक मनी प्लांट। ये एरो हेड है, ये डैफिन वे किया है, ये एरो हेड है, ये जीजी प्लांट, ये तीन जीजी प्लांट है। पार्ट सेकंड में फ्रेंड्स ज़्यादा शेड लविंग प्लांट्स ही मैं दिखा रही हूँ, अधिकतर शेड लविंग प्लांट्स ही है यहाँ पे। ये देखिए वाटर लिली है, इसको तो धूप पसंद है, अभी तो इधर रखा है। ये देखिए एक सकुलेंट है, ये फर्न है, ये एक प्लांट है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ये भी डैफिन वे किया है, ये लिपस्टिक एग्लिनुमा है। ये मैं लाई थी, एकदम छोटा था, अभी तो एक दो पौधे और निकल रहे हैं इसमें से साइड से। ये भी एक सकुलेंट है। और ये देखिए मशरूम, अभी तो मुझे इसको पेंट करना है। और ये जो डक देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये मैं भोपाल मेले, हमारे भोपाल में भोजपाल मेला लगता है, वही से मैं लाई थी। तो एक क्ले का बना हुआ है, मिट्टी की जो बनी रहती है ना, वैसी है। तो इसमें मैंने पेंट किया है वाइट कलर करके, असल डेकोरेशन किया है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मैं और भी लाई हूँ, मैं बाद में आप लोगों से शेयर करूँगी, अभी इसमें पेंट नहीं किया मैंने। फिर इस साइड देखिए दोस्तों, ये एंथोरियम है, ये भी 6-7 महीना हो गया मेरे पास से। तो ये देखिए फूल खिलते रहते हैं इसमें से, जब फूल खिल जाता है तो मैं इसको काट देती हूँ, ऐसे खिलते जा रहे हैं। मैंने इसको भी रिपोर्ट नहीं किया, इसी पॉट में ही है जब से खरीदा है, क्योंकि अभी पौधा छोटा है तो इसलिए रिपोर्ट नहीं किया। ये देखिए दोस्तों, पिंक एग्लेनुमा है, ये भी 6-7 महीना हो गया मेरे पास से, इसको भी रिपोर्ट नहीं किया है, छोटे से एक जार में। और देखिए यहाँ आने के बाद 3-4 पत्ते ऐसे निकल चुके हैं, और देखिए बीच में से ऐसा निकल रहा है, इतना शायद इसमें फूल आने वाला है। और ये देखिए चाइनीज एवरग्रीन है, ये ऊपर मनी प्लांट है। ये देखिए छोटा सा कंटेनर में, पेंट का जो कंटेनर होता है ना, ऐसा कलर करके लगाया मैंने, ऐसा पूरा DIY किया है, ये पूरा DIY है मेरा। ये देखिए पीस लिली का प्लांट है, ये पीस लिली साइड में, ये ड्रेसिना विक्टोरिया है, इसकी लीव्स देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी है। ये मनी प्लांट, इसकी लीव्स भी देखिए एकदम चमकीली सी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एरिका पाम है, ये देखिए कितना बड़ा सा है। ये एरिका पाम मेरे पास 20 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया, मैं 2000 के फर्स्ट जनवरी फेब में लाई थी, तो मेरे पास 20 साल से है ये पाम का, एरिका पाम। देखिए इसका नीचे आपको देखने से समझ में आएगा, देखिए कितने सारे निकल रहे हैं इसमें, पौधे भरे नीचे का देखिए। ये देखिए तो इसको तो देखभाल, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ी सी खाद, रेत और मिट्टी बस, और पानी का थोड़ा ध्यान रखना है बस, और बहुत अच्छे से चलता है ये प्लांट, और थोड़ा सा छाँव में रखना पड़ता है। ये पूरे शेड लविंग प्लांट्स ही है। ये देखिए वंडरिंग जू है, जिसे कि मैंने DIY किया था बॉटल में, उसी में लगाया। ये मनी प्लांट, एरो हेड, टर्टल वाइन है ये। इधर देखिए
कॉनिटल पाम है, ये चाइनीज एवरग्रीन है, ये भी एक है पीस लिली है। ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ मैं लाई, 2-3 महीना ही हुआ है, छोटा सा प्लांट था, अभी 3-4 पत्तियाँ नहीं निकल चुकी है इसमें। ये देखिए पर्पल हार्ट है, और इधर तो देखिए फ्रेंड्स क्रोटन है, मेरे पास क्रोटन बहुत सारे हैं। ये देखिए क्रोटन, फिर ये क्रोटन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए जब मैं लाई थी ना तब ये बीच में से देखिए यहाँ से कट कर दिया था, और इसी उसी कटिंग को मैंने ये नीचे लगा दिया, देखिए ये भी चल गया, तो बहुत ही इजी है क्रोटन को। और ये देखिए ड्रेसिना है, 2 ड्रेसिना की वैरायटी है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये भी एक ड्रेसिना है, और ये तो ये भी एक क्रोटन है। इसको तो मैंने कटिंग किया, कटिंग से लगाया मैंने, अभी ये जून जुलाई में बारिश के सीजन में देखिए कटिंग किया था, तो ये बहुत प्यारा लगता है ये वाला क्रोटन। देखिए ऐसा जब पत्तियाँ नई निकलती है तो ऐसी रहती है, और थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इस कलर की हो जाती है, तो कितना अच्छा लगता है। ये भी एक क्रोटन है देखिए, और इधर देखिए फाइकस से, ये 2 फाइकस है मेरे पास, ये फाइकस है, दोनों वेरीकेटेड है। ये देखिए फाइकस बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो भी है। देखिए इधर इसको भी मैंने यहाँ से काट कटिंग करके यहाँ लगाया, देखिए चल गया, और भी छोटे छोटे लगाए मैंने, वो सारे के सारे चल गए। ये देखिए इसको भी मैंने इधर से कटिंग करके ऊपर से, इधर से देखिए इधर से कटिंग किया था मैंने, इधर से कटिंग करके छोटा सा इधर लगाया, देखिए ये भी चल गया। तो कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने थोड़ी सी मिट्टी में दबा दिया तो चल गया वो। और ये तो हर श्रृंगार है, ये एलोवेरा देखिए कितना खूबसूरत है, इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी हेल्दी है एकदम, बहुत ज़्यादा। ये थूजा, इसको भी ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, मैं तो छाँव में ही रखती हूँ, यहाँ पे धूप बहुत कम आती है, सुबह के 1 घंटे 1.5 घंटे की धूप। ये देखिए पाम है, चाइनीज पाम, ये पैंटेनस है, और ये मरांटा, कई लोग इसको कैलेथिया भी बोलते हैं, ज़्यादातर लोग इसको कैलेथिया के नाम से ही जानते हैं। और ये एरमथिमम, इसको धूप अच्छी लगती है, एरमथिमम इसको धूप बहुत पसंद है, जितना हम इसको धूप में रखेंगे इसकी पत्तियाँ उतनी ज़्यादा ऐसी एकदम डार्क रहती है, तो अच्छा लगता है। इधर मैंने ऐसे ऐसे लगाया केल और ये सब, ये देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स मैं आप सभी को मेरे पूरे गार्डन का ओवरव्यू ऐसे दिखाती हूँ, पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिला के, ये देखिए ऐसा पूरे गार्डन का ओवरव्यू ऐसा दिखता है। ऊपर वेजिटेबल्स गई है, ये देखिए इधर पूरी वेजिटेबल्स है, ये देखिए स्ट्रॉबेरी भी लग रही है, और इधर साइड में कॉर्नर में एक मैंने जेन कॉर्नर बनाने की कोशिश की है, तो सर लेक का व्यू देने की कोशिश की, छोटा सा पॉन्ड जैसा। ये देखिए पूरे, ये देखिए नारियल के शेल में मैंने ऐसा लगाया है, और इसको पानी का रूप देने की कोशिश की ब्लू कलर को, और ये भी पूरे नारियल के शेल से ही इसी में डाला है, मतलब पूरा ऐसी सब ओरिजिनल, मतलब जो वेस्ट चीज़ें हैं ना अपने नारियल का जो शेल है ये सब जब यूज़ करने के बाद रख देते हैं वही चीज़ें यहाँ पे, तो ऐसा लुक है इसका ऐसा कॉर्नर में। फ्रेंड्स गुलाब के खूबसूरत से फूलों के साथ मैं आज मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।